नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चरणदास महंत द्वारा राजनांदगांव की बहरी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लाठी मारने और सिर फोड़ने जैसे बेतुके बयान की कड़ी निंदा करते हुए वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि मोदी जी को कांग्रेसियों ने जितनी बार भी अपशब्द कहे हैं, चुनाव परिणाम में कांग्रेस को मुंह के बल गिरना पड़ा है। उन्होंने डॉक्टर चरणदास महंत को चुनौती देते हुए कहा कि लाठी मारने की ओछी हरकत कर अपना बड़प्पन दिखाना ही है तो आप रिकेश सेन को लाठी मार लीजिए, क्योंकि मोदी जी तक पहुंचना आप जैसे नेताओं के बस की बात नहीं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते थे तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते थे। बाकी मन सीधवा साधे हुए हैं और ये देवेन भी खड़े हो सकते थे। सी लाठी धरे नहीं सके, गाड़ी दे सके थे। हम अल्लाह लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फीट हस एकर पर तोर पर प्रार्थना करता हूँ आप सब वोट देवा और बाहरी बहुमत से जीता। दास महन जी, मैं आपको छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का बड़ा नेता समझता था, लेकिन आपने बहुत छोटी बात और बहुत छोटी हरकत की है। आपने कहा कि मोदी जी को लाठी मारेंगे, पहली लाठी आप मुझे मारिए, लेकिन आपके कांग्रेस का चेहरा साफ दिखता है। जब जब आप लोगों ने मोदी जी को गाली देने का काम किया है, तब तब मोदी जी का व्यक्तित्व निखरा है। कभी आपने मोदी जी को नीच कहा है, आपके नेता ने उन्हें गंदी गंदी गालियां दी है, और जब जब मोदी जी के विषय पे आप शब्द आप लोगों के कांग्रेस के परिवार ने कहा है, तब तब लोगों का जनता का प्यार और मिला है। याद रखिएगा, 400 पार होगा और इस बार लोकसभा में ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, एनडीए की जीत होगी। आप जितना भी गाली देंगे, जितना भी गाली देंगे उतना वोट बढ़ेगा, और लाठी मारने की बात होगी तो पहली लाठी मुझे मारिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।